पॉडकास्ट। सोचिए अगर आपको दुनिया के दो दिग्गज नेताओं के संग सेल्फी लेना हो तो क्या करेंगे, और नेता अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हो तो क्या करेंगे। निश्चित तौर पर आप कहेंगे ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होने वाले 9 साल के एक बच्चे के लिए यह मुश्किल काम बेहद आसान रहा। यह बच्चा मोदी और ट्रंप को रोक के उनके साथ सेल्फी लेकर रातों रात मीडिया का स्टार बन गया। ह्यूस्टन के एनर्जी स्टेडियम में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शिरकत किए। जब ट्रंप कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वो पीएम मोदी के साथ मुख्य समारोह स्थल की तरफ जाने लगे। दोनों नेता एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा पीएम मोदी और ट्रंप के साथ सेल्फी लेने के बाद सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया पर सब लोग इसी बच्चे के बारे में सवाल पूछने लगे। दरअसल मंच पर जाने से ठीक पहले कुछ भारतीय बच्चे दोनों नेताओं की आगवानी के लिए पारंपरिक कपड़ों में खड़े थे। ये मोदी और ट्रंप सभी बच्चों से हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये मोदी ट्रंप का हाथ पकड़े अभी आगे जाने ही वाले थे कि ट्रंप ने एक बच्चे के हाथ में मोबाइल देखकर वहां रुक गया। उन्होंने बच्चों से कुछ पूछा भी। इसी बीच पीएम मोदी आगे बढ़ गए थे, पर बच्चे के आग्रह के बाद ट्रंप वही रुक गए थे। ट्रंप को रुके देख पीएम मोदी भी वहां रुक गए और उनके पास आ गए। दरअसल सफेद ड्रेस पहने वो लड़का पीएम मोदी और ट्रंप के साथ सेल्फी लेना चाहता था। दोनों नेता इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गए। मोदी और ट्रंप ने उस बच्चे के साथ सेल्फी ली। सेल्फी के बाद पीएम मोदी ने बच्चे की पीठ थपथपाई, जबकि ट्रंप ने हाथ मिलाकर आगे बढ़ चले। 9 साल के इस लकी बच्चे का नाम सात्विक हेगड़े है और उनके माता पिता का नाम है प्रभाकर हेगड़े एवं मेधा हेगड़े। सात्विक कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में रहने वाले हैं। योग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सात्विक लाइन में खड़े थे और तभी उन्होंने ट्रंप और मोदी के साथ सेल्फी लेने का मौका मिला। बॉलीवुड से लेकर पॉलिटिक्स तक ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया तो कृपया एक लाइक कर दें।